अरे मैडम, 10th क्लास में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है। सर उनके कल बोर्ड एग्जाम है। अच्छा, पास तो 2 ही बच्चे होंगे, पेपर पूरी क्लास दे रही है। जो फेल होंगे कम से कम वो तो पढ़ते। सर मे आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं? ना अंदर आ जाऊं, बाहर आग लगी। अरे नहीं सर, प्लीज मेरा एडमिट कार्ड दे दो। एडमिट कार्ड बेटे ऐसे नहीं मिलेगा, पहले तो करो तुम फीस जमा। अरे फीस तुम्हारी खाए थोड़ी जाऊंगा, दे तो दूंगा। एडमिट कार्ड तेरा कुतर रहा हूं मैं, वो भी दे दूंगा, चल निकल। सर मैं गरीब बच्चा हूँ, मुझे पेपर देने दो। मेरे अब्बा ने बहुत सपने देखे, सपा ही मुंह देगा, तू टेंशन मत ले। और मेरे अब्बा ने मेरी लकीरें देख के कहा मैं 10th में टॉप करूंगा। नजर कमजोर होगी तेरे अब्बा की, तेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है, क्यों? मत्थे पे चूतिया लिखा तेरे। मैं बड़ा होकर ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो दुश्मन के देश पर वार करेगी। बहुत बढ़िया भाई, तेरी वाली मिसाइल दुश्मन पर वार करेगी, और जो इन्होंने पहले से बना रखी मुझे अपने ही देश पर छोड़ना है। इनकी वाली देखियो खुश होगी। भाग रहा साले, आज मुझे सारी फाइलें कंप्लीट चाहिए, मैं बता रहा हूँ। जी देखियो, मेरा वीजा लगा के कनाडा भेज दोगे? बेटे वीजा ही लगा के भेजूंगा। अच्छा तो आज अप्लाई करूंगा, कितने दिन में वीजा आ जाएगा मेरा? लगभग 4 महीने लगेंगे। 4 महीने में तो मुझे लग रहा है कनाडा बंद हो जाएगा। अरे भाड़ू, तेरी पुप्पो की दुकान थोड़ी है वो जो बंद हो जाएगी। कंट्री है कनाडा, और कनाडा जाना क्यों चाहता तू? वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूंगा। सबसे पहली चीज तो यूनिवर्सिटी की फीस लगा कर 27 लाख रुपए लगेंगे। इतनी महंगी फीस, वो किताब है क्या बोतलों से चढ़ाएंगे? अरे खाली यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है भड़वे, वहाँ आने जाने के भी 12 लाख रुपए लगे हैं। 12 लाख रुपए? क्या बात, प्लेन भी मेरे पैसों से खरीदोगे? तुझे खुला किसने छोड़ा? और पहले तो ये पता तेरी जेब में पैसे कितने? मेरे पास तो 60,000 है। 60,000 रुपए? वो लगी कनाडा की तस्वीर देख कर निकल। मैं विदेश जरूर जाऊंगा। अरे 60,000 रुपए में दुबई जा सका है बस तू? ना हुआ नहीं जाऊंगा। क्यों? हुआ गर्मी बहुत है, मेरी ऑयली स्किन आग पकड़ लेगी। आग खा दौरा पड़ गया लग रहा। सॉरी गाइज, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 45 मिनट लेट है। 45 मिनट लेट है? अभी आधा घंटा लेट और थी, अब फिर 45 मिनट लेट है? हम चूतिया हैं क्या यहाँ बैठे? तू बैठा ही क्यों है? आधा घंटा कम से कम रनवे पर ऐसे ऐसे करके दौड़ता, क्या पता उड़ जाता। अजय बकवास कर रहे हो, पहले ये बताओ कि फ्लाइट लेट क्यों है? सर देखिए, पायलट को कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों, अंधा है? अरे मौसम खराब है, कोहरा बहुत है यार वहाँ पे। लेकिन यहाँ तो सूरज निकला है। वहाँ दूसरा सूरज है, वो नहीं निकला। बता, हमारा पैसा रिफंड दे दो, हम नहीं जाएंगे तुम्हारी प्लेन से। रिफंड दे दो, रिफंड दे दो, तू भाड़ू अपनी प्लेन खरीदेगा? अरे तुमको का लेना। एक मिनट रुक। हेलो, अरे 4:30 बजे फ्लाइट है? नहीं। और 5:30 बजे? नहीं। और 6 बजे? अरे तुम्हें कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं है, वो कबूतर छोड़ूंगा आसमान में, कहीं टकरा जाऊंगा। हेलो, ये फ्लाइट आ गई, इसका पायलट क्या कोरे का पार देख ले रहा? इसके शीशे वाइपर लगा। तेरी एक लात में 32 ही गद्दे खा जाएगी। एक लोन तो रिकवर कर ले। अरे तो तुम छपरियों को आईफोन दे क्यों रहे यार लोन पे? और इसका नाम देख रहा, क्यूट मुंडा, और इसकी शकल ऐसी होगी अगर बच्चा देख ले तो उल्टी दस्त करेगा कई दिन। हेलो, हेलो, मेरी बात क्यूट मुंडे से हो रही है? बाद में बात करना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बाल पी लेकर आ रहा है तू? हे मिस्टर, हु आर यू? मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। पहले तो ये बता दे, जो तूने आईफोन लोन पे लिया इसकी किस्त कौन जमा करेगा? इस महीने की माफ कर दो प्लीज। ना अबू मैं तेरा, या मैंने बनाकर छोड़ा तुझे रोड पे? अब क्यूट मुंडा एक भी किस्त नहीं देगा, जाओ कर लो जो करना। छपरी, तेरे बाल पीले कलर के, अगर एक लीगल नोटिस मैंने भेज दिया तो कई दिन नीले कलर का मुंह देगा तू। आए, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तो जब तुमसे किस्त ही नहीं दी जा रही तो तुम ले क्यों रहे हो आईफोन लोन पे? अरे उसमें यार फोटो बहुत बढ़िया आती है, इंसानों की आय उसमें अच्छी, तू तो उसमें भी मुर्गे के तरह ही दिखता होगा। अरे ऐसी बात मत करो, आज मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, पक्का हो गया तो मिठाई खिलाऊंगा। अगर बेटे तेरा रिश्ता हो गया तो मैं खुद अपने पैसों से खरीद कर जहर खा लूंगा। हेलो, इन्हें भी लोन ही मिल रही है? मेरे बाल पीले कराओ यार। अरे ऐसे तो यार थाने की इज्जत ही नहीं रह जाएगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैं तो 500 रुपए के खुले ले रहा था दुकानदार से। बंदूक दिखाए थे भाड़ू, मारते मारते इतना नीला कर दूंगा कि जिराग में से निकलेगा तू। इंस्पेक्टर साहब, 3-4 लौंडे मेरी बीबी छेड़ रहा है, जल्दी आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ, 3-4 लौंडे क्या कम पड़ रहा है? अरे यार तुम आते रोकोगे उन्हें? तो मैंने तेरी बहू को छोड़े वो 3-4 लौंडे, यार मेरे घंटे कैसे रुक जाएंगे फालतू बात करना। एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद ऐसी बात कर रहा हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहू तेरी छेड़ रही है, शर्म मुझे आनी चाहिए। अरे तुम समझ नहीं रहा। हेलो इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीबी छेड़ रहा है ये 3-4 लौंडे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारी बहू खुद छेड़न को फेर रही है? कैसी बात? मेरा मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, जो छेड़ रहा है तुम्हारी बहू। अरे इधर लाओ, कौन है रे? इंस्पेक्टर जैब बात कर रहे हो, क्यों छेड़ रहा हो तुम दूसरों की बहू में? अरे यही मैं कह रहा हूँ इनसे, इंस्पेक्टर साहब की छेड़ो, तुम्हारी वाली तो बेचारी सारे भी कर रही थी। हमारा तो यार दाना ही खराब निकला।